नेवर लिव टुगेदर। All right. Now what have you decided? आप क्या चाहिए बताएं आप? जो डाइवोर्स हुई है वो एक्स वहां तो उपस्थित नहीं हुई है। अब क्या मतलब है मैडम, 14 साल हो गए, अब जाने दो, आप अपना नया जिंदगी जी तो जियो, इनको अपनी जिंदगी जीने दो, जो आपको एलिमनी चाहिए दिलवा देते हैं आपको, यहाँ रिजॉल्व कर देते हैं। नहीं, कलंक की बात नहीं है, ये तो आपसी समझौते की बात है, कलंक क्या है इसमें? अब आप खुद सोचो, 2008, आज 2022 आ गया, 14 साल तो हो गए आपको, अब कहा का कलंक? ये तो जिद वाली बात है। बट देश से बेबी आई डोंट नो, वी डू नॉट नो वेदर यस मैरिड। ये आपके एलिगेशंस हैं, ये रिवर्ट भी करेंगे उस चीज को, जैसा वी डू नॉट नो, बट वी आर ऑलवेज यू नो लुक आउट फॉर अ चांस टू इंश्योर दैट पार्टी सेटल डाउन। After all, both of you should lead a happy life, अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन ये कसम खा के बैठना, नहीं ना हम खुद ठीक से जिएंगे ना इनको जीने देंगे, ये बात तो गलत है ना। अब जो हो गया सो हो गया, क्या करोगे उसके लिए? 14 साल तक सब चल रहा है। मनोज, इसके अलावा मैं माफी चाहूंगा बीच में मैडम की बात को थोड़ा सा रोक पाऊँ। इस 14 साल के दौरान मनोज, एक कंडक्टर किसी आदमी का अपना बोलता है, आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की रिश्तेदारों की? अगर आप उसमें जाओगे तो फिर वी विल एंटरिंग इनटू इलॉजिकल फाइट। मेरोस, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। क्वेश्चन ओनली इज, दूसरी शादी भी कर ली है। क्वेश्चन हियर इज, क्वेश्चन कोई बात नहीं, हम उन एलिगेशंस पे जा ही नहीं रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है। चार बार आप कुछ बोलोगे, चार बार ये कुछ बोलेंगे और अल्टीमेटली मुकदमा बढ़ जाएगा। आज की तारीख में इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। 14 साल बाद तुम्हें क्या मिलेगा इस आदमी के साथ में? जो आदमी अभी इसको, इसी को तो बोला जाता है साथ एक दो महीने से ऊपर रहे नहीं, तुम 14 साल से अलग रह रहे हो, अब इस जो अलग लड़ना है कि दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये कहाँ का उचित है? नहीं, ये तो लड़ी नहीं रही थी, ये तो अपने कर बैठे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये तो अपील हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन लगाई। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर इनको सर्विस नहीं हुआ या इनको कंटेस्ट नहीं कर पाए, वो दीगर बात, ये तो फैक्ट है ना कि 2008 के बाद साथ नहीं रहे ये लोग, ये तो फैक्ट है ना। तो 14 साल तो हो गए कि नहीं हुए, ऊंचा बोलो, सुनने में आया ना? हाँ, 14 साल हो। फिर ऐसी स्थिति में तो दोनों को अलग जिंदगी जीना चाहिए, और 14 साल ऐसा भी नहीं है कि जो 8-10 साल साथ में रहे हो फिर 14 साल नहीं रहे हो, शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए। साल 6 महीना क्या होता है 14 साल के साथ में? वो तो चलता रहेगा मुकदमा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं मैडम, इसमें ज्यादा आप भावुक इसलिए मत हो, प्रैक्टिकल बात है। मैं चाहता हूं कि आप भी अच्छी जिंदगी जियो और ये भी अच्छी जिंदगी जिए। जो हो गया छोड़ो उसको, हम आपको एक एक मुश्त पैसा, नहीं जिंदगी आप अच्छी बिताओ अभी चाहते हैं, परमानेंट एलिमनी के लिए कहा। हाँ तो आप बताओ तो, पर वो कोई बात नहीं, इस पेशी अगली पेशी में दीगर रिप्लाई है, इसकी अगली पेशी में आप फिर समझाओ उनको, हो सकता है अभी भावुकता में कुछ नहीं बोल पा रही है, अगली बार आके समझ लो।
क्योंकि उसका रास्ता कुछ है और है नहीं। ये अब ये अपील 2019 की है, कब हियरिंग में आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बेटर कोर्स ये है, डायवर्ट लेने की इनको जल्दी इसलिए है कि इनकी नौकरी चली जाए। अरे बाबा मैं कहता हूँ इनको जल्दी हो या देर हो उसमें क्यों जाते हो, ये कुछ ना करते हो कुछ करते हो उससे क्या मतलब है हम लोगों को। हमको मतलब है कि दो मियां बीवी सामने है वो खुशी खुशी घर जाए। अब 14 साल का पीरियड निकलने के बाद कहाँ से खुशी मिलने वाली है दूसरे को, सिवाय इसके कि वो एक दूसरे में ताने कसें, एक दूसरे के खिलाफ में बोलें और समाज में अपनी हंसी उड़वाएं। आप खुद सोचिए, इसी को बोलते हैं ना लव इज लॉस्ट, इमोशंस आर ड्राइड अप। क्या लव है इनके बीच में, इस रिश्ते में मैनर्स कोई जान बची नहीं, क्या अफेक्शन है इनके भी आप बताइए मेरे। जो 14 साल से अलग इनके बीच में क्या ऐसा रिलेशनशिप है सिवाय इसके कि भाई 2008 में शादी हुई थी। मतलब चीज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, जो हम पेशी बढ़ा देते हैं लेकिन आप इसको समझाओ कि कुछ हो, साथ में रहने की काबिल सिचुएशन हो, दोनों की मानसिकता इस प्रकार की हो, साथ रह सकते हैं इतने साल के बाद, समझ में आता है। नहीं तो क्या होगा, आप लड़ते रहो, वो अपना जीवन से इनके पेरेंट्स को ही बुला लेता। पर दिक्कत ये है कि इन्होंने अब ये कह रहा है कि शादी करने किसी तीसरे आदमी से झाबुआ में वाली की है। अरे बेकार की बात है, हम उसमें जा ही नहीं रहे, फिर वही वही बेवकूफी की बात। उसने शादी करी है, इसने शादी करी, इसमें क्या फर्क पड़ता है अपने को। सीधी बात ये करो कि दोनों के बीच झगड़े को खत्म करो। ये एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस का तो कोई अंत है। आप बोलते ये शादी कर लिया, ये बोलते इन्होंने शादी कर ली, अब उसी में झगड़ा शुरू हो गया। क्या अंत है इसका बताओ। हाँ वकील लड़ते रहेंगे, हम लोग सुनते रहेंगे, और तुम लोग पीछे बैठ के देखना, यही बार होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे इफ शी इज नॉट प्रिपेयर्ड लेट इट कम इन रेगुलर कोर्स। मैं ये तो खैर आवेश में आके जो भी कह रही हैं और जो भी अपनी भावनाओं के अंदर कह रही हैं वो उनका पूरा अख्तियार है, पूरा राइट है उनको, लेकिन हालात और पास्ट को देखते हुए कुछ बचा नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं इनसे, इनमें कुछ बचा नहीं और ना इनमें कोई ऐसी संभावना दिखती है कि कोई परवान चढ़े, नहीं लगता दूर दूर तक। लिहाजा ये दोनों जिंदगी एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले आपस में, आप अपनी जिंदगी को कलेश में बना रहे और आप भी अपनी जिंदगी में कलेश पाले बैठे। लिहाजा दोनों को मैनर्स इनको यही समझाना हमारा बाकी है कि आप अपनी अपनी जिंदगी जियो और इस बंधन से हटो। अभी हम 10 मिनट और करके आ रहे हैं, मेरा तो मनुष्य यही निवेदन है। अब ये तरीका ही यही बचा है मनुष्य, और कोई रास्ता ही नहीं बचा, कानूनन रास्ता तक भी नहीं बचा। यही तो कोशिश कर रहे हैं, वही उनको समझना चाहिए मनुष्य, इन दोनों को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनका कहना चाहिए तो घर से निकाल दिया और डाइवोर्स भी ले लेना चाहिए, शादी भी कर ली। 14 साल वकील साहब, 2 साल बाद हमने बहुत समझदार है। अच्छा आपने फिर हमसे शादी क्यों की जब 2 साल बाद आपको शादी करनी थी। अगर आपको लड़ना था तो एक बिल्कुल झांसी की रानी की तरह मर्दानगी दिखानी थी और आप डंडा लेके इनके घर तक जाते, आप अपना हक मांगते। लेकिन 14 साल तक आपको एक तरफ से शांत होकर सोना, ये आपके हक को खुद जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल बेजान कर दिया। क्या है ये वकील लोग ही तुम लोग को सिखाते हैं। कहावत बनी है मनोज, हम तो इनके माउथपीस है। कहती लड़के देख लो, आज नहीं इनको कल समझ में आएगा कि क्यों कलेश में, रात में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, क्या है अपनी जिंदगी दोनों। मेरा तो यही निवेदन है कि उनको छुटकारा दे। वकील साहब मैं भी आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश आपके जो प्रतिद्वंदी वकील साहब हैं वो पुरानी कब्र खोदने में लगे हैं। अब साहब मैं तो उनको क्या कह सकता हूँ, मेरे काबिल दोस्त हैं वो,
सेटलमेंट एक सबसे बड़ी चीज खत्म करो उसको, उसको समझाओ। पेरेंट्स हैं, मैडम भी बहुत अच्छी हैं, इनसे भी कुछ ठंडे दिमाग से बात करो, समझ जाएंगी वो। नेक्स्ट मंथ हाँ असल में जो लोग राजपूत हैं एक साथ ही होती है लेडीज के, दूसरी साथ ही नहीं होते, ये प्रॉब्लम है। बात सही है, दोनों तरफ जरूर पीछे कुछ तो लॉजिक है, दोनों तरफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं दूध का दुलाव, कुछ तो ये कह रहे हैं कि वो तो डाइवोर्स ही तलाक शुदा लेडी, दाग तो मेरे ऊपर भी है इंसान, दाग तो मेरे ऊपर भी है। मैं तो चाहता हूँ आप खूब खुशी वाली जिंदगी जियो, हम नहीं चाहते कि आप उस घर में जाओ जहां बाकी जिंदगी भी रोने में बीते आपकी, हम ये नहीं चाहते। ईश्वर की कृपा से आप दोनों स्वस्थ हो, अपना जीवन जियोगे तो उसमें जीवन में और रास्ते मिलेंगे जिंदगी और अच्छा करने के लिए, लेकिन उसी पे आप जिद करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप कल चले भी जाते हो इनके यहाँ पे ना, तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला आप। तो इससे अच्छा तो ये है कि अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करो। क्यों ऐसे, ठीक है उसने गलती करी होगी, वो जिस प्रकार का भी आदमी होगा, अब उसमें मत जाओ अभी, इतना समय भी दे क्यों जीवन बर्बाद करती हो आगे का, हमारा ये कहना है आपको। अब जो हो गया वो हो गया, दोनों तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं, अब वो उसका कोई निवारण है नहीं। बेस्ट कोर्स ये है जिसको हम लोग कहते हैं ना हमेशा, इफ यू कैन नॉट लिव लाइक फ्रेंड्स डिपार्ट लाइक फ्रेंड्स। एक पेशी ले लो, अगली पेशी में आओ ठंडे दिमाग से सबसे बात करके, और ये मन बना के आओ जाने दो। बहुत चीज जिंदगी में होती है, खट्टे बुरे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, सबको लेके बैठना अच्छा थोड़ी ना है, भूलना चाहिए और जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। पुरानी चीजों में गांठ बांध के बैठोगे तो कब तक सर्वाइव करोगे। निवेदन कर दो छोटा सा, अगली पेशी पे